बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर क्रिएशंस के साथ आपका होस्ट उमर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है, फिर वीडियो बना रहा हूँ और बहुत दिनों बाद, वाकई ही बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो व्यूअर्स आज बहुत ही आसान और मज़ेदार आपके लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ, जो है बेसन का हलवा। तो व्यूअर्स हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ, जो के हैं 500 ग्राम हम बेसन लेंगे इसके अंदर, जिसको हमने छान लिया है अच्छी तरह से। 500 ग्राम ही हम घी यूज़ करेंगे इसके अंदर। आप लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, हमने सादा घी लिया है। और 500 ग्राम जो है हम चीनी यूज़ कर रहे हैं और 500 ग्राम ही हम पानी इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स ओवरऑल जो है हमारे पास ये चीज़ें हैं, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। हमने व्यूअर्स जो है एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर हमने 500 ग्राम जो है वो अपना घी गरम कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जो है 500 ग्राम बेसन डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। बेसन को बेसन ऐड कर दिया हमने और बेसन डाल के इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके अंदर जब हम बेसन ऐड करेंगे तो चम्मच जो है, जो हम चम्मच यूज़ कर रहे होंगे, उसको इसके अंदर हम घुमाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। हमने चम्मच को छोड़ना नहीं है, चम्मच को हिलाते रहना है। ये देखें हमारा बेसन जो है कितना थिक फॉर्म में आना शुरू हो गया। तो गाइस जब तक जो है ना हमारा हलवा रेडी नहीं हो जाता बिल्कुल, हमने जो है चम्मच को इसके अंदर चलाते रहना है, इसको हिलाते रहना है, क्योंकि हम जहाँ पे इसको छोड़ देंगे ना वहाँ पे बेसन जो है बहुत जल्द जल जाता है। तो हमने बेसन को जलने नहीं देना, हमने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा जो बेसन है वो सारा का सारा सही तरह से भुन जाए। पाँच से दस मिनट जो है हम इसकी भुनाई करेंगे बेसन की अच्छी तरह से, और चम्मच हिलाते रहेंगे इसी तरह ही। तो व्यूअर्स देखें हमारा जो बेसन है वो, उसकी जो है उसके अंदर जो थिकनेस है वो एक फॉर्म टाइप सी उसकी एक थिकनेस सी हो गई है, और जो हमारा बेसन है वो भुनना शुरू हो गया है। मज़ीद 5 मिनट या 6 मिनट हम इसको और भुनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए, फिर हम इसके अंदर जो है नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो शुरू करेंगे। आप देख रहे होंगे इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं ऐसे, जिस तरह एक फॉर्म नहीं होता, फॉर्म की शक्ल ये दे रहा है एक। तो बेसन हमारा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, और अब हम इसके अंदर जो है चीनी ऐड करेंगे। इसके अंदर चीनी ऐड करके हम इसको जो है दोबारा से इसके अंदर जो है भुनाई शुरू कर देंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। चीनी भी हमने इसमें 500 ग्राम ही ऐड की है। इस तरह से चीनी डाल के आप चम्मच से इसको हिलाते रहें, और आप देख रहे होंगे कि चीनी ऐड करके जब इसको हिलाना शुरू किया है तो इसकी एक अलग ही फॉर्म जो है वो आपके सामने आना शुरू हो चुकी है। और जब तक हमारा हलवा तैयार नहीं होगा हम इसको हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। व्यूअर्स ये देखें इसके अंदर आपको जो है चीनी के इस तरह से आपको ज़र्रे नज़र आ रहे होंगे। जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते हम इसको जो है हल्की आँच पर चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे ताकि ये जो है हमारी चीनी वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से। चम्मच नहीं आपने छोड़ना, चम्मच हिलाते रहना। व्यूअर्स हमारा जो हलवा है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है चीनी डालने के बाद। अब हम इसके अंदर जो है 500 ml जो है पानी ऐड करने लगे हैं। इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से देखें
और आप देखें हर स्टेप पे जो है हमारे हलवे का एक नई जो उसकी लुक है वो आ रही है सामने। के अंदर जो है हम मज़ीद चम्मच चलाते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा हलवा है वो जले ना। तो व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि हलवा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और आप देख रहे होंगे कि ये थिक हो गया है कितना ज़्यादा। इसी तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो लगे ना। और देखें आप देख रहे होंगे कि हलवे की शेप जो है वो किस तरह से हो गई है, ऑलमोस्ट हमारा हलवा जो है वो रेडी है। तो व्यूअर्स हमारा जो बेसन का हलवा है वो रेडी हो चुका है और अब हम इसको जो है सर्व करके आपको दिखाते हैं कि इसको सर्व कैसे करना है। हमने एक ट्रे ले ली है और ट्रे के अंदर जो है हम ऑयल की कोटिंग कर देंगे ब्रश की मदद से इस तरह से, ताकि जो हलवा है ताकि जो हलवा है वो हमारा इसके ऊपर जो है चिपके ना और सही तरह से जम जाए। अब हम हलवे को जो है जमाने की प्रोसेस पे लेके जा रहे हैं। व्यूअर्स हलवा जो है वो रेडी हो गया था, हमने उसको ट्रे में डाल लिया है और स्पैचुला की मदद से हम इसको पूरी ट्रे में जो है ना अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से पूरी ट्रे में तो हमने इसको ट्रे में अच्छी तरह से फैला दिया है और अब हम इसको जो है जो इसके अंदर ये निशान है इसको स्मूथ करके बिल्कुल एक लेवल सारे हलवे को कर देंगे सेट ट्रे के अंदर इस तरह से। आप नॉर्मली जो घर में स्पून यूज़ करते हैं उससे भी आप इसको अच्छी तरह से लेवल कर सकते हैं ट्रे के अंदर। ये देखें इस तरह से हम सारा इसको लेवल कर लेंगे। व्यूअर्स हमने हलवे को ट्रे के अंदर अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब हमने बादाम की कटिंग की हुई थी, हम इसके ऊपर बादाम ऐड कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो आप बाकी भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, किशमिश हो गई, बादाम, पिस्ता, काजू, जो आपको अफोर्डेबल है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो है बादाम अवेलेबल थे, हमने बादाम को ब्रिक ब्रिक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। और व्यूअर्स हम इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा हलवा गर्म है तो इसकी कटिंग करेंगे तो वो सही तरह होगी नहीं। हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और स्पून की मदद से इन बादाम को भी हम हल्का हल्का सा ऊपर दबा देंगे ताकि बादाम जो है वो अंदर इसके अंदर जो है अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से हम सारे हलवे पर कर देंगे। और आपको फिर बता रहा हूँ कि जब तक हलवा आपका ठंडा नहीं होगा आपने इसको जो है कट नहीं करना, इसके पीसेस नहीं करने। तो हम भी अब वेट करेंगे और हलवा जब हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीसेस करेंगे। व्यूअर्स देखें आप देख रहे होंगे कि बादाम इसके अंदर जो है अच्छी तरह वो ऐड हो गए और अब हम इसको जो है ठंडा होने के लिए 1 से 1.5 घंटा जो है वो रूम टेम्परेचर में ही रख देंगे ताकि जो ये है वो ठंडा हो जाए और इसके जो स्लाइसेस हैं जो पीसेस हैं वो अच्छे तरीके से हो जाएं। तो व्यूअर्स अब हम भी वेट करते हैं 1 से 1.5 घंटा इसको ठंडा होने का। तो व्यूअर्स रूम टेम्परेचर पे 1.5 घंटे के बाद ठंडा होने के बाद हमने इसके पीसेस कर लिए हैं और पीसेस देखें हमने इस तरह से इसके किए हैं टाइल्स की शेप में। आप जैसे मर्जी इसके पीसेस कर सकते हैं, आप स्क्वायर में करना चाहें स्क्वायर में कर लें, टाइल्स में करना चाहें टाइल्स में कर लें, या आप लोग इसके लंबे लंबे पीसेस करना चाहते हैं वो कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। हमने टाइल्स में इसकी कटिंग की है और अब हम आपको इसको जो है प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। हमने इसे बनाया है कि हम इसे जो है 4-5 दिन स्टोर करके आराम आराम से खाएंगे। आप लोग चाहें तो आप इसको जो है इसी तरह जो है सॉफ्ट फॉर्म में रख के तो स्पून की मदद से भी खा सकते हैं। तो हमने इसको जो है स्लाइसिस की शक्ल दी है, पीसेस दिए हैं, तो हम इसको जो है मतलब 3-4 दिन में खाएंगे और मज़े करेंगे हम ना। तो व्यूअर्स हमारा जो हलवा था वो रेडी हो गया था, हमने आपको पीसेस करते हुए भी दिखाया और हमने आपको ये प्लेट में भी सर्व करके दिखाया है। तो व्यूअर्स अगर आपके घर मेहमान आ गए हैं तो आप लोग जो है
10 से 15 मिनट के अंदर फटाफट हलवा रेडी करके उनके बैठे बैठे उनको आप हलवा सर्व कर सकते हैं, और यकीन करें कि उनको ये बहुत पसंद आएगा। और आगे वैसे भी जो है सर्दियां आने वाली हैं, और सर्दियों में इसका एक अलग ही मज़ा आएगा, और ये सर्दियों के एक किस्म की सौगात भी हो जाएगी। और आप चाहें तो आप अपने जो है रिश्तेदारों में इसे बना के और पीसेस में इसको जो है कट करके अपने रिश्तेदारों को सेंड भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आज आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नई वीडियो से अपडेट रहे। ओके व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।